Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, I'll be showing you what I love doing the most, that is card making. I love giving cards, I love receiving them. Card making brings me the greatest joy. I love every minute of it. I'll be doing a giveaway with Sheherbano and I decided to show you how I made this Eid card for the giveaway. It is super easy, you can make it yourself, or if you're feeling generous, you can buy it from me. So this is the card that I will be recreating. So let's get started with some crafting. So the first thing that we'll be needing is a 5x7 cardstock. इसको हम half में fold कर लेंगे. इसके बाद we'll take any pattern paper. I'll be using the same one. So this is my pattern paper. इसके बाद जैसे इसमें मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा पिंक पे उठेगा, तो I'll take pink cardstock. तो यहाँ मैं almost half centimeter के marks लगाऊंगी because मुझे ये background में off-white color चाहिए. Make sure your paper is straight. एक हल्का सा अगर paper हिल भी जाए तो आपका paper पूरा ज़ाया हो सकता है. Be very careful कि आपका paper किधर है और बिल्कुल straight आपने जो है उसको cut करना है. अब हम इसको भी ऐसे ही काटेंगे और बैकग्राउंड में हमें इतना ही ऑलमोस्ट हाफ अ सेंटीमीटर जो है वो इस तरह रखना है ताकि पीछे पिंक बैकग्राउंड नज़र आए. आप कोई भी पैटर्न पेपर ले सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, बट इट्स योर कार्ड, इट्स योर चॉइस. आप कोई भी कलर, कोई भी पैटर्न पेपर यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. हमारा कार्ड स्टॉक जो है वो कट चुका है. अब वी आर गोइंग टू पेस्ट ऑल ऑफ दिस टुगेदर. So I'm using a double-sided tape. मैं glue इसलिए नहीं use कर रही हूँ because उससे card जो है वो अकड़ जाता है और उसमें वो neatness नहीं रहती, और इससे जो है वो काफ़ी neat रहता है आपका card. Time for this paper now. This is done, लेकिन सबसे important चीज़ जो इस कार्ड की है, सबसे important feature है, अब हमें वो बनाना है. So envelope के लिए मैंने ये paper लिया है, आप कोई और paper भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही paper हो. मैंने ये paper से लिया because मुझे ये background में दिखाना था कि क्या है. As you can see, background काफ़ी clear है. अब मैं इसको जो है वो एक perfect square में काटूँगी. मैं 5x5 का square लूँगी. हमें इन दोनों को center पे लाके मिलाना है. हम इस वाले को फोल्ड करेंगे पर हम इसको एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं लाएंगे, हम थोड़ा सेंटर के ऊपर यहाँ लाएंगे. तो हम इसको ऑलमोस्ट हाफ अ सेंटीमीटर इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे. आवर एनवेलप इज़ ऑलमोस्ट रेडी. आपने बस अब फिनिशिंग टचेस देने. ये ग्लू स्टेन्स भी हम जो है वो छुपा सकते हैं बिकॉज अगर ये ऐसे ही रहेगा तो से कार्ड आपको थोड़ा मेसी लगेगा. मैं इसको जो है वो ये फ्लावर है इधर, मैं इसको कट आउट करके इसको यहाँ स्टिक करूँगी तो ये आपका जो ब्लू स्टेन्स हैं वो थोड़े छुप जाएंगे. आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल मेकिंग कार्ड्स. बहुत ज़्यादा जो है वो मटेरियल ज़ाया भी होते हैं, बट मेरी खुद की बहुत लर्निंग होती है. आई डोंट माइंड वेस्टिंग माई मटीरियल्स व्हेन आई एम लर्निंग एंड आई डोंट गिव अप. मैं कुछ ना कुछ करके जो है वो सोल्यूशन निकाल लेती हूँ. लाइक मटेरियल्स को जो है वो जो ज़ाया होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, बट आई ऑलवेज एंड अप रीयूजिंग देम इन अदर वेज. आई ऑलवेज राइट विद अ पेंसिल फर्स्ट बिकॉज मेरी कोई बहुत अच्छी हैंड राइटिंग तो है नहीं, सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क्स. जब मुझे थोड़ी लाइक समझ आ जाए कि हाँ ठीक लग रही है हैंड राइटिंग, देन आई गो अहेड विद माई पेन और मार्कर. I'm doing this just to add a little bit of, you know, character to my text. इसको स्टिक करने के लिए मैं ये टेप यूज़ कर रही हूँ. ये I don't know what this is called, sort of like a foam, और ये भी डबल साइडेड ही है. इससे क्या होता है कि शेडोई इफेक्ट आता है, आपका कार्ड जो है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं लगता. इससे थोड़ी सी डेप्थ आती है। For me, Eid cards with pockets and envelopes make a lot of sense because आपने ईदी तो देनी होती है, आप जो है अपने कार्ड के साथ इसी में ईदी रख के भी दे सकते हैं। So this is a multi-purpose card, which is great. So this is how I like to make my Eid cards. If you like this video, then give it a thumbs up. Follow me on Instagram for more craft-related content, and don't forget to hit that subscribe button.